अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मीजल्स। मीजल्स जो है ना, ये आरएनए एनवेलप्ड वायरस है एक, ठीक है। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और उसके ऊपर, और नेगेटिव सेंस आरएनए होता है और उसके ऊपर इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड भी होता है, उसके ऊपर जो है एक एनवेलप भी होता है, उसके साथ जो है स्पाइक्स भी अटैच होती है, एनवेलप के साथ ना लंबी लंबी स्पाइक्स भी अटैच होती है। तो ये नॉन आरएनए इनवेलप सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, ठीक है। अब ये क्या होता है, एमएमआर जो है वो मम्स, मीजल्स और रुबेला वायरस है। ये तीनों जो है आरएनए इनवेलप्ड वायरसेस हैं। अब जो मीजल्स है, ये फैमिली पैरामाइक्सो वायरस की है, पैरामाइक्सो विराइडिया की है, जीनस मारबेला वायरस है और स्पीशी खुद मीजल्स है। मीजल्स होता क्या है, खसरा। खसरा ये जो है ना मम्स, जो कनपेड़े, मीजल्स, खसरा, ये जो है ना, ये मेनली ना जो मीजल्स है ना वो चिल्ड्रंस में मेनली होते हैं, और ये वगैरह मम्स वगैरह, तो इसलिए इनको ना चाइल्डहुड वायरसेस भी कहा गया है। अब ये जो है डिजीज़ कॉज क्या कराती है, मीजल्स, खसरा। मीजल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, उसके अंदर वेजिकुलर रैश नहीं होता, इसके अंदर पस वगैरह नहीं होती, जबकि इसके अंदर जो है ना ये फ्लैट होते हैं, स्केल लाइक रेडिश से होते हैं, फ्लूइड वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये स्टार्ट होते हैं फेस पे, स्टार्ट होना शुरू करते हैं, फेस से स्टार्ट होना शुरू करते हैं, और पाम्स और सोल्स में नहीं होते, ठीक है। जबकि जो चिकन पॉक्स थे वो हमने देखा था मेनली ट्रंक पर सबसे ज़्यादा होते हैं, और स्मॉल पॉक्स तो होते ही एक्सट्रीमिटीज़ पे ज़्यादा, और स्मॉल पॉक्स में तो बहुत बड़े बड़े वेजिकुलर लेजन्स थे ना, जबकि जो मीजल्स है ना उसमें वेजिकुलर नहीं होता, मैक्यूलर पॉपुलर रैश होता है। इसकी वही प्रॉपर्टीज देख ली तो एनवेलप्ड, उसके अंदर स्पाइक्स होते हैं आरएनए, और इसकी एक ही सीरोटाइप है, तो मेनली एक ही एंटीजेनिक वेरिएशन है, तो इसके अगेंस्ट जो है हम बना सकते हैं वैक्सीन। अब इसकी रेप्लिकेटिव साइकिल में क्या है समरी, उसकी रेप्लिकेटिव साइकिल की, ये क्या करता है, अब्सॉर्प्शन करता है, ये इसके ऊपर जो स्पाइक्स होती हैं और इसके ऊपर जो है ना हेमोग्लूटिन एंड न्यूरोमाइनेडेज प्रोटीन्स होती हैं, तो वो आकर अटैच होती हैं, सॉरी, इसके ऊपर ना कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो आती हैं, और वो ना आकर हीमोग्लूटिन प्रोटीन्स होती हैं, वो आती हैं, लगती हैं सेल्स की सरफेस पे और वायरस अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर देता है, फिर अपने वही अटैचमेंट होती है उसकी, एंट्री होती है, अटैचमेंट होती है उसकी, एंट्री होती है, पेनिट्रेशन होती है, एंट्री होती है, फिर अनकोटिंग होती है, और वायरल जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, जो कि नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉलीमरेज है, वो वायरल पॉलीमरेज के थ्रू पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होती है, फिर मैसेंजर आरएनए जो है ट्रांसलेशन के थ्रू वायरल प्रोटीन्स वगैरह बनाती है, फिर इसकी असेंबली वगैरह होकर ये बाहर चल जाती है। अब ट्रांसमिशन इसकी कैसी है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से, मतलब स्नीजिंग से, कफिंग वगैरह से, और ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल पीरियड के, मतलब जब इंक्यूबेशन पीरियड इनका कम ख़त्म हो जाता है, जब उसके बाद ये प्रोड्रोमल पीरियड में आ जाती हैं, जब इनके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, तब अगर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। अब इसकी पैथोजेनिसिटी में क्या है कि मीजल वायरस ना क्या होता है, सबसे पहले आता है, इन्फेक्ट करता है सारी उसको सेल्स को, सेल्स के अंदर चले जाता है, एपिथीलियल सेल्स वगैरह है आता है उनके अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है ना, तो माउथ वगैरह में आएगा तो अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो एपिथीलियल सेल्स हैं उनको इफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक की सेल लाइनिंग को इफेक्ट करेगा, फिर वो एंटर हो जाएगा ब्लड के अंदर, और क्या करेगा कि फिर रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स जो है ना, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स क्या होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं टू रिमूव दी एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस या सॉल्युबल सब्सटेंसेस वगैरह को रिमूव करने के लिए ना रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करता है कि मीजल्स जो है ना वो आते हैं पहले तो रेप्लिकेशन होती है, जब रेप्लिकेशन होती है तो ना उसको डेंड्रिटिक सेल्स और एलोवियलर मैक्रोफेजेस जो है ना वो जाकर लेके जाते हैं लंग्स में, लंग्स से वो लोकल लिम्फ नोड्स वगैरह में जाते हैं, लिम्फ नोड से वो ब्लड में आता है, ब्लड से फिर वापस लंग्स, इंटेस्टाइन, ब्रेन वगैरह में आ जाता है। तो ये क्या करते हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को इफेक्ट करते हैं और वहाँ पर फिर से रेप्लिकेशन शुरू कर सकते हैं, फिर वहाँ से ब्लड में आते हैं, ब्लड में जब आते हैं वहाँ से स्किन में चले जाते हैं, स्किन में रैशेज वगैरह कराना शुरू कर देते हैं, मीजल्स तो है ही स्किन पे, तो रैश अब क्यों कॉज होते हैं, जो कि साइटोटॉक्सिक सी सेल्स हैं ना वो आते हैं
और जो वेजल्स के एंडोथीलियल सेल्स है ना, स्किन की जो वेजल्स है ना, ब्लड वेजल्स, उनके अंदर जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना, ये स्किन है ना, स्किन की जो ब्लड वेजल्स है ना, ब्लड वेजल्स के अंदर जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना, इन एंडोथीलियल सेल्स पे आकर जो है वायरस एक्ट करता है और क्या करता है, इन एंडोथीलियल सेल्स को ना सॉरी आकर एक्ट करता है और इनको ना इन्फेक्ट कर देता है, और इनके अंदर ना इन्फेक्ट करके क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन वगैरह शुरू करते हैं। फिर क्या होता है कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ना, जो कि हमारी इम्यूनिटी के सेल्स हैं, जो कि CD8 सेल्स हैं, CD8 पॉजिटिव सेल्स, वो आते हैं और इन्हीं जो एंडोथीलियल सेल्स हैं ना, इन्हीं को ही किल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये इसके इन्फेक्शन वगैरह फैल सकते हैं, तो इन्हीं को ही किल करना शुरू कर देते हैं और स्किन पर रैशेज वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। तो दैट्स द पैथोजेनेसिस ऑफ द मीजल्स। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में यही है कि फीवर हो सकता है, फिर 3 C's हैं, कंजक्टाइवा है, कोराइजा है, कफिंग है, फिर इसके अंदर कैप्लिक स्पॉट्स होते हैं जो कि कुछ दिन पहले आते हैं रैश से, और ये ब्राइट रेड लिजन्स होती हैं और वाइट सेंट्रल डॉट होते हैं इनके दरमियान में, बकल में कोजा के अंदर, माउथ के अंदर जो है कैप्लिक स्पॉट्स ऑफ मीजल्स, इसमें पिक्चर में दिखाई हैं लेकिन इसमें इतना क्लियर नज़र नहीं आएंगे, वैसे इस पिक्चर में दिखाई गए हैं, ये देखें रेड कलर होता है और इसके अंदर वाइट स्पॉट्स होते हैं इधर, ठीक है ना, ये देखें इस तरह ये दिखाई गए हैं। तो ये कॉप्लिक स्पॉट्स इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर फिर इंसेफेलाइटिस भी हो सकता है, फिर इसके अंदर जो है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेंसेफेलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सेवरल ईयर्स आफ्टर मीजल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी फैटल डिजीज करवा सकता है। ये उसकी कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग है, इसमें रॉ स्पॉट्स देख लें कि सामने टाइफाइड में जाएंगे स्पॉट्स है, तो कॉप्लिक स्पॉट्स है, कॉप्लिक स्पॉट्स आपके मीजल्स में होते हैं। अब इसके अंदर जो है ना, मतलब लाइव डायग्नोसिस वही PCR वगैरह से हो सकता है, लाइट एंटीबॉडी वगैरह से, वैक्सीनेशन में लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन दी जाती है, एंटीवायरल थेरेपी वगैरह कोई भी नहीं होती। और अगर हम एक और वायरस कर लें जो हम नॉन एनवेलप्ड सॉरी RNA एनवेलप्ड वायरसेस पढ़े थे, तो RNA एनवेलप्ड वायरसेस में अब हम मम्स स्टार्ट कर लें, तो वो क्या कहता है, कनपेडे मम्स, वो सलाइवरी ग्लैंड्स की मेनली स्वेलिंग कराता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी यही है, इसमें न्यूरोमाइनाडेज़ है, हेमग्लूटिनिन वगैरह है, RNA है, न्यूक्लियोकैप्सिड्स, रेप्लिकेटिव साइकिल सेम उसी तरह का है, मीजल्स की तरह का, ये ट्रांसमिट होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स वगैरह से। अब ये वायरस क्या करता है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, आता है ऊपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको इन्फेक्ट करता है, फिर ब्लड के थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे पहले जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में मेन जो है पैरोटिड ग्लैंड, उसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह करवाता है, फिर वहाँ से वो डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है, जैसे टेस्टिस, ओवरीज वगैरह में, इनको क्या, और पैनक्रियाज में, फिर इंजेस वगैरह में, तो क्या करते हैं कि टेस्टिस ओवरीज दोनों अगर इन्वॉल्वमेंट हो ना, तो उनके अंदर इन्फेक्शन करवा देगा, उनकी स्वेलिंग वगैरह करवा देगा, अगर तो टेस्टिस की अगर स्वेलिंग करवा देगा ना, तो इनकी वजह से ना जो मेल है ना बिकम स्टीराइल नॉन फंक्शनल हो जाता है, मतलब बहुत इफेक्ट करता है जो मम्स का वायरस है ना, अगर वो सलाइवरी ग्लैंड से कहीं और भी चला जाए, मतलब टेस्टिस ओवरीज ऑर्गन्स में चला जाए, पैनक्रियाज में चला जाए, पैनक्रियाटाइटिस करवाते हैं, मेनिंजेस में चला जाए, मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं। अब इसकी इम्यूनिटी जो है ना लाइफ लॉन्ग होती है, मतलब एक दफ़ा अगर हो गया ना किसी को, तो फिर उसके बाद उसके अंदर इम्यून ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो उसके बाद बहुत कम है कि लाइफ में दोबारा हो, लेकिन अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर अगर वायरस ने इफेक्ट किया है तो फिर हो सकता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है मेनली। जो मेटर्नल एंटीबॉडीज़ हैं ना, वो प्लेसेंटा से पास करती हैं और प्रिवेंशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ टू द बेबीज। जो IgG एंटीबॉडीज होती है ना, वो मदर से प्लेसेंटा से बेबी में चल जाती हैं और वो बेबी की प्रोटेक्शन फर्स्ट 6 months, क्योंकि बेबी खुद तो एंटीबॉडीज ही बना सकता है, फर्स्ट 6 months IgG एंटीबॉडीज उसकी मदर की उसकी प्रोटेक्शन कराती हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में यही है, फीवर है, मलेज है, एनोरेक्सिया में लॉस ऑफ एपेटाइट है, स्वेलिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड है, एक तरफ की भी हो सकती है, दोनों तरफ सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स में पेन होती है, स्वेलिंग जो है दोनों तरफ की हो सकती है पैरोटिड ग्लैंड्स की, फिर पैरोटिड ग्लैंड में पेन होती है जब भी कोई सिट्रस जूसेस वगैरह पिया जाए, फिर क्या होता है
और काइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस हो जाए, अगर पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स की प्यूबर्टी के बाद अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए ना टेस्टिस की, जिसको ऑर्काइटिस कहते हैं, दो मेन कॉम्प्लिकेशन है, एक तो ऑर्काइटिस हो सकती है आफ्टर प्यूबर्टी मेल्स में, अगर ऑर्काइटिस हो गई है और बायलेटरल है कि दोनों टेस्टिस इन्वॉल्व हैं, तो उसके अंदर मेल में स्टरिलिटी हो सकती है, नॉन फंक्शनल है, जबकि अदर कॉम्प्लिकेशन मेनिनजाइटिस है जो सेल्फ लिमिटेड है कि मेनिंजेस में अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो वो, लैब डायग्नोसिस में वही PCR वगैरह, IgM एंटीबॉडी, राइज इन एंटीबॉडी टाइटर, मतलब एंटीबॉडी अगर 15 है तो 16 या 4 टाइम राइज, 16 से 60 हो गई हैं, 15 से 60 या उससे ज़्यादा, तो फिर होगा कि डिजीज़ है। ट्रीटमेंट प्रिवेंशन में कोई एंटीवायरल थेरेपी वगैरह नहीं है, इम्यूनाइजेशन जबकि जो है वैक्सीन लाइव अटैनुएटेड लाइव वीकेंड वैक्सीन दे सकते हैं, और जो है दो इम्यूनिटीज़ की दी जा सकती हैं, लाइव वैक्सीन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में नहीं देनी चाहिए या प्रेगनेंट वुमेंस में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो लाइव वैक्सीन जो है ख़ुद भी डिजीज़ करवा सकती हैं। दैट्स ऑल फॉर RNA एंड मेलेट वायरस।